अनदर वीडियो आई होप आप लोग एकदम बड़े और एकदम तो मस्त ना सब लोगों का प्यारा गजो ढर भैया तो गाइस आज के इस वीडियो में हम नहीं खेलने वाले हैं कोई गेम हम कोई वीडियो रिएक्ट भी नहीं करने वाले हैं थंबनेल से आपने देख लिया मैं करने वाला हूं इस वीडियो में एक स्टोरी टाइप बात है उस जमाने की जब मेरे पास ना एक लैपटॉप होता था जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था ओके okay? ये दो तीन महीने पुरानी बात है सो so हुआ क्या था लैपटॉप था मेरे पास में उस पे एक दो गेम्स खेलता था उस पर माइनक्राफ्ट चल जाती थी बहुत लाग होती थी बट या आई गेस फोर्टी एफ पी एस के राउंड आ जाता था तब तो मैं खेल लेता था अब तो मेरी माइंड क्राफ्ट में टू हंड्रेड एफ पी एस आता है मेरे बेड वर्स की वीडियोज में भी आपने देखा होगा तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था की मेरे पास एक पी सी आ गया है यू कैन सी द फ्लैशबैक अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे आया था इसीलिए मैंने उस पर मैं पी सी लिया बर्थडे पे तो क्या इसकी एक स्टोरी है तो हुआ क्या मैंने ना लैपटॉप पे मैं खेलता था ठीक है तो तब मेरे पास एक छोटी सी चेयर होती थी, थी तो मैं अपनी तो स्टडी टेबल के रूम में लैपटॉप लगा के खेलता था गेम कभी कभी ठीक है तो होता क्या था मैंने ना सोचा कि मैं कार्डबोर्ड की बहुत चीजें बनाता हूँ लाइक मैंने कार्डबोर्ड के बहुत सारे फोन्स बनाए हैं मेरे को बहुत चीजें ऐसे बनाने का मेरे को बहुत शौक है ठीक है सो हुआ क्या मैंने सोचा कि मैं कार्डबोर्ड का बनाऊंगा पीसी ताकि मैं उसको साइड पे रख सकू और उसके बाद मैं एक फील लूँगा आई मीन लाइक मेरे को बस फील लेनी थी ठीक है मेरे को एक रियल पीसी चाहिए नहीं था तो हुआ क्या मैंने सोचा मैं ही बनाऊंगा तो अब मेरे सिर्फ पी सी बन नहीं पा रहा था लाइक like मैंने ऑब्वियसली प्लान किया था वैसा गया नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था तो मैंने कहा छोड़ो बाहर में जाए मैं एक कोई लेनी लूनी फील मैं खेल लूंगा लैपटॉप पे गेम बिना किसी फील के तो हुआ ये तो मैं कहीं से आया था आई डोंट नो तो क्या कहते हैं मेरे पापा ने ना वो देख लिया क्या कहते हैं मेरा ना जो चैनल है एक शॉर्ट है ट्रिगर्ड इंसान का प्लेडेट तो वो थोड़ा सा पुराना है आई गेस एक साल पुराना है तो उस पर सिक्सटीन के व्यूज़ आए हुए हैं तो वो देख लिया और और वीडियोस देख लिए कि एक पे अशीशा चलानी का मैंने प्ले डेट बनाया था उनका आया था फो के आए व्यूज़ आए थे उस पर तो उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा क्यों ना कि तू गेमिंग वीडियोज़ बना तब मेरा गाइज वीडियो तब मेरा चैनल होता था गाइज़ 90 सब्सक्राइबर्स का तो हुआ ये तो मैंने कहा अब हमारे लैपटॉप पे ऐसे बहुत गाइज वो बहुत आदम के ज़माने का है ठीक है तो उसकी दो जी बी रैम है वो तो उसमें बहुत गेम लाग करती थी रिकॉर्डिंग तो पूछो ही ना भाई तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता कहते कुछ चाहिए क्या क्या इक्विपमेंट मेरे को बोल तो मैंने कहा कि एक नॉर्मल सा तो पीसी चाहिए तो उन्होंने कहा चल मैं तेरे लिए एक पीसी बिल्ड करवाता हूं तो अगले दिन हम गए पीसी बनवाने ठीक है और एक फन फैक्ट में तुम्हें स्टोरी के बाद में बताऊँगा हम अगले दिन गए पीसी बनवाने हमने सब कुछ उनको बताया कि ये ये चाहिए ये ये नहीं चाहिए सारा इक्विपमेंट वगैरह तो जिस दिन हम आए ना पी का ऑर्डर देके तो उन्होंने कहा दो दिन लगेंगे बिल्ड होने में तो अगले दिन मैं गया मेरे फ्रेंड्स के नाइट स्टे पे उसके घर पे तो उसके अगले दिन जब मैं आया फ्रेंड के नाइट स्टे से मैं जब आया गया नहीं आया तो उस दिन मेरे को कॉल आता है कि आपका पीसी रेडी हो गया है तो हम फिर जब पीसी लेने गए ना तो इतना अच्छा लग रहा था गाइज में तुम्हें मतलब स्क्रीन पर भी फोटो दिखाऊंगा तो मैं इतना खुश था फिर हमने आया फिर हमने उसको सेटल वगैरह किया फिर मैं खेला पहली बारी माइंड क्राफ्ट पे लाइक मेरा मॉनिटर 24 इंचेस का है दो फीट का भाई ये मेरी स्टोरी है पीसी की अब मैं तुम्हें बताता हूँ फनफैक्ट क्या हुआ मतलब आई बिलीव इन गॉड मैं गॉड को बहुत हद से ज्यादा मानता हूँ मेरे स्टडी टेबल पे जहाँ पे मेरा पीसी है वहाँ पे भी मैंने एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है क्या कहते हैं आई रियली बिलीव इन गॉड तो मतलब मैंने ये सोचा जब मेरे पास पीसी आ गया ना मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया जब मैं कार्डबोर्ड का पी बना रहा था ठीक है मैं भी तुम्हें फनफैक्ट हो जाता था जब मैं कार्डबोर्ड का पी बना रहा था तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि मैं पी सी बिल्ड करवा रहा हूँ तो वो कहने लगे है सच्ची में इतनी तो झूठ बोल रहा है ये दिखाओ वो दिखा मेरे कहा पूरा बिल्ड हो जाएगा ना मैं तुम्हें तब दिखाऊंगा तो ऐसे आ, मैंने सोचा था कि मैं उनको ऐसे प्रैंक प्रूंक सा कर दूंगा कि कार्डबोर्ड का बनाया है बस एंड रियली really भगवान ने देखा और लिटरली उन्होंने एक पूरा अच्छा खासा पी सी आर जी बी लाइट्स का एक उसके अंदर वो फैन भी है पी सी कभी गर्म नहीं होता उन्होंने पी सी बनवा दिया तो फिर जब मैंने अपने फ्रेंड्स को ये वाला असली पी सी दिखाया वो शौक हो गई तो सच्ची बोल रहा था मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मेरा तो तुम्हें प्रैंक करने का ही मन था मेरा तो बनाना कार्डबोर्ड का ही था पर भगवान ने एक असली पीसी दे दिया तो मैं मैं तुम्हें एक और स्टोरी बताता हाथ धोने जा रहा था खाना खाने लगा था तो मैंने अपना तो बेड पे ना की तरह अपना फोन रखा मतलब फेंका नहीं पर मैंने फेंका भी आ, मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब मैंने फेंक के रखा ठीक है तो हुआ ये मेरे को लगा था कि बच जाएगा फोन ऑब्वियसली तो मैं हाथ धोने गया तो मैंने अपने फोन की तरफ देखा मेरा फोन घूमते घूमते एज पे आके गिरने वाला मैंने हाथ जोड़ के शिव जी का नाम लिया क्योंकि मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ आपने मेरा शिवलिंग का वीडियो देखा होगा क्या नहीं देखा अरे क्या कर रहे हो पूरा ये वीडियो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा के जाके देख लेना उसके बाद तो हुआ यही मैंने हाथ जोड़ के शिव जी का नाम लिया और वो पूरा फोन एज पे था और वो बिल्कुल ही दूसरी तरफ हो गया ठीक है एज के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया और वो फोन बच गया बिल्कुल बेड के ऑपोजिट हो गया और मैं देख के मतलब था कि वाह यार तुम तो मानो या ना मानो मेरे को नहीं पता कि पर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए तो मैंने अपने वीडियो में कहा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि मैंने जो पीसी है बर्थडे पे नहीं बनाया मतलब बर्थडे पे लिया बट ऐसी बात नहीं है मैंने आपको स्टोरी बता दी तो मेन मैं ये स्टोरी का मतलब ये बता रहा हूं कि देखो मैं एक नकली बनाना चाहता था और मेरे पास एक अच्छा खासा असली पीसी आ गया या आइज़ अगर आपको मेरी स्टोरी टाइम छोटी सी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता मतलब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए